नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना झा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। दरअसल एक सभा के दौरान दिलीप घोष ने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर राजनीतिक विरोधियों को कपड़े उतार कर जूतों से पीटने की बात कही। घोष के इस बयान को लेकर विरोधी नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। उत्तरी परगाना जिले में रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए दिलीप घोष ने कहा, हम उन्हें जूतों से मारेंगे, कपड़े उतार देंगे और फिर पिटाई करेंगे। मैं आपको बता दूं, दिलीप घोष जो बोलता है वह करता है। मैंने आप लोगों से कहा नहीं था कि 2019 में टीएमसी सिमट कर आधे पर आ जाएगी? टीएमसी के इशारे पर पुलिस। दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि पुलिस का एक घड़ा सत्ताधारी टीएमसी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ पुलिसकर्मी सत्ताधारी पार्टी की शह पर काम कर रहे हैं। मैं अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर रहा हूँ। जो भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं उनका 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हिसाब किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। घोष ने अपने बयान में कहा है कि याद रखें कि एक साल बाद आपके साथ क्या होगा, क्या आप अपने परिवार और बच्चों का चेहरा नहीं देख सकते हैं? किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आपके बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, वो डॉक्टर क्या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, हम सुनिश्चित करेंगे कि वह प्रवासी श्रमिक बने, हम उनके जीवन में शांति को नष्ट कर देंगे। कांग्रेस सांसद ने दी राज्यपाल को चुनौती। जूतों से पीटने के घोष के बयान पर आपत्ति जताते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने ऐसा करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो पहले मुझे जूते से पीट कर दिखाएं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। उन्होंने भाजपा नेता को अशिक्षित और असभ्य बताया।